मैंने अपने मन में ठान ली थी कि जितने रिश्तेदार हैं जिन्होंने आज मुझे पॉर्न स्टार बोला है, ये सब एक ना एक दिन मेरे पास वापस आएंगे, मुझसे माफी मांगेंगे। और मेरे मतलब जितने भी लोग थे, मैंने अपने मन में ठान लिया था कि कुछ ऐसा करना है कि ये सब पछताएंगे। दिल रिग्रेटेड कि व्हाई डिड आई डू दिस टू उर्फी, हमने क्यों ऐसा किया इसके साथ। सो ये मेरे मन में था, आई हैव टू प्रूव दिस टू एवरीवन। और रिश्तेदार एक होता है ना बदला, हर शायद नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर, क्योंकि मेरे अंदर वो एक रिवेंज वाली फीलिंग थी, बिकॉज दीज पीपल सेड सो मच टू मी, क्या है, कैसी लड़कियां हैं, व्हाटएवर व्हाटसोएवर। सो मैं हमेशा इतनी फ्रस्ट्रेटेड रहती थी इन लोगों से, मतलब मैं मनी मन सोची रहती थी, बुड्ढी तू रुक, तुझे तो मैं बताऊंगी 10 साल बाद, तू रुक। तो वो खुद ही निकल लिया, उनको क्या ही बताएं। मुझे आपको ज्ञान देना है। ओके ओके आई नो, बट मुझे भी कुछ बोलना है। ये 17 साल की उर्फी थी, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो ना, रिवेंज की फीलिंग कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। देन मजबूरियों का भार इतना ज्यादा था ना मुझ पे कि रिवेंज की फीलिंग आएगी ही कहाँ से। आई वॉज सराउंडेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज, भाई बहन स्कूल में है, माँ भी है, खुद का भी रेंट पे करना है यहाँ पे, उनकी भी फीस देनी है, तो क्या करूँ। और अब तुम बताओ, तुम्हें पॉडकास्ट से पैसा मिल रहा है तो तुम पॉडकास्ट ही करोगे ना, अच्छा चल रहा है तो। मुझे इससे पैसा मिलने लगा, फेम मिलने लगा, जो टीवी में कभी नहीं मिला, तो मैं यही करूँगी ना यार, और क्या करूँ मैं फिर।